जाना है ना। बैठ जाओ, सिट सिट, तब ले जाएंगे नहीं तो नहीं ले जाएंगे। बैठो, सुबह का 7 अभी सो के उठे। हाँ, सो के उठने बाद ऐसे कुछ करते हैं। तो अभी इतना सुबह ब्लॉग स्टार्ट करने का कारण है क्योंकि बहुत दिनों से आसमान में हमको वो मोटे मोटे बादल नहीं दिखाई दिए थे जो कि टाइम लैप्स में बड़े खूबसूरत लगते हैं। वो क्यों ना अभी दिखाई दिए, सो के उठे विंडो से बाहर देखें तो वो नज़ारा मेरे को दिखा। सोचा क्यों ना एक खूबसूरत सा टाइम लैप्स लिया जाए ताकि आपको वीडियो कुछ अच्छा मस्त मसाला मिल जाए, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कुछ मस्त मसाला मिलने वाला है आज के ब्लॉग से, बिकॉज लॉकडाउन 2.0 इज स्टार्टेड। और नहीं भी स्टार्ट हुआ तो मैं लॉकडाउन का पालन करने वाला हूँ भाई, क्योंकि जैसे कोविड केसेस बढ़ रहा है तो आई डोंट वांट एनीवन टू गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू मी। मेरे ख्याल किसी को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपके लिए कंटेंट आता रहे। चलिए अब जाके टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। TIMELAPSE okay, 1, 2, 3 and अब shift हो जाइए time lapse में। बड़ा बड़ा रखना बड़ा कूल लगता है, बट लगता है या कूल लगता है, बट इसका मेंटेनेंस भी उसी तरह हाई होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप जान ले बहुत लोग कमेंट करेंगे कटा के नहीं देते भाई, बचपन का सपना है कि अपना बाल जब तक है तब तक वो बड़ा बड़ा रहे, बड़ा बड़ा रख के अपना शौक पूरा कर देते। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आज का ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं बना, चलिए आज इंट्रो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड चलिए आज की कहानी, आज का व्लॉग, आज की स्टोरी और आज का ज्ञान आपके सामने रखते हैं। दिस इज ज्ञान का सीरीज और आज आपके सामने हम थोड़ा ज्ञान अपना शेयर करेंगे। यस, ये फिंगर खाली खाली लग रहा है, ये दो फिंगर तो ये खाली, ठीक है इसको भर देते हैं फिलहाल। हाँ भर गया, ये वाला खाली है किस लिए आप लोग को पता है, भविष्य में ये भरा जाएगा, बट फिलहाल ये भर गया, ठीक है ना। बात करते हैं आगे, तो आज हम कुछ ज्ञान शेयर करेंगे आपसे। यस, कुछ ज्ञान की बातें, चलिए आज आपको कुछ सिखा देते हैं, ये बहुत लोगों को काम देगा, तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि भाई बहुत काम का वीडियो है, कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलिए आज के ज्ञान देने के लिए आपके सामने बुलाते हैं इस ब्लॉग के एक नए उभरते सितारे को, बाबा ज्ञानदेव। तो स्वागत कीजिए हमारे बाबा का। हाँ, तो हम हैं बाबा ज्ञानदेव, चलिए आज आपको हम कुछ ज्ञान देते हैं, ये क्या बोलते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं और अपनी कुछ ज्ञान आपके सामने बांटते हैं, दोनों का मतलब तो सेम हो गया। तो चलिए आज ज्ञान बांटते हैं, फिलहाल बता देते हैं आज क्या ज्ञान बांटने वाले हैं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है जो कि पुराना है और आपको लगता है वो हल्का स्लो हो गया है, तो आप ये कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत तो फास्ट हो जाएगा, फास्ट इन द सेंस वो हल्का अच्छा काम करेगा। अब i3 लैपटॉप को मैं i5 और i7 या i9 के जैसा फास्ट तो नहीं बना सकता, बट उसका जितना भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आपको लगता है कि नए जैसा नहीं रहा, तो वापस मैं कुछ कुछ उसका परफॉर्मेंस बूस्ट कराने में मदद करता हूँ। और ये आइडिया क्यों आया, क्योंकि हमारा मामा तो भैया लड़े तो लैपटॉप में कुछ दिक्कत थी,
तो कहल के यहाँ लैपटॉप स्लो काम करे फिर ये चले लानी थे ठीक करी देव यहाँ ठीक की करबे जब वो तो देखे कि कैश फाइल सबसे कि रंग हटाबे और कि रंग हमें अपना लैपटॉप पर बूस्ट करे हल्का स्पीड परफॉर्मेंस चलो देख लो जाए। तो अभी तक जो भी बताएं वो क्या था उसका मतलब मेरे भाई का लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया तो उसने लैपटॉप ला के यहाँ घर में रख दिया। बोला भाई थोड़ा वो देख दो क्या है दिक्कत और चलिए देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि मैं लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बूस्ट कैसे करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एक हाई एंड लैपटॉप नहीं है जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ। तो मैं एक कम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप में भी उतने हैवी सॉफ्टवेयर कैसे चलाता हूँ और कैसे अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ तो उसका राज आज आपके पास खुलेगा। एंड चलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये है वो लैपटॉप बाबा आदम के ज़माने का लैपटॉप पता नहीं क्या है सैमसंग का लैपटॉप है एक ज़माने में बंद भी हो गया बनना जो है इसका हालत पूरा ढीला है ढीला इन द सेंस इसका देखिए दिखाते हैं अभी इसका ये उठाएंगे ये ढीला है दूसरा पता नहीं कब ये टूट जाए हमको बड़ा डर लग रहा है खोलने में तो खोल तो दिए हैं चाय चूँ करता है इसका रिटायरमेंट का उम्र है इस उम्र में उसको उसको फास्ट करना खैर i3 है बाबा आदम उतना भी नहीं है लेकिन i3 है और काफ़ी यूज्ड लैपटॉप है। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस कहता है वो काफ़ी स्लो हो गया एंड चलिए इसके बारे में आप डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसका परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। अभी हम माउस पैड पे माउस मूव कर रहे हैं बट ये मूव नहीं हो रहा है हाँ अब ये हुआ मूव बीच बीच में ये फ्रीज हो जाता है। तब इसका परफॉर्मेंस कैसे हम बूस्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं इसमें इसका माई दिस पीसी जो अगर विंडोज़ 10 है आपके पास अभी लगभग सबको विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा बहुत देखते हैं इसका परफॉर्मेंस हम कैसे बूस्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप दिस पीसी ओपन कर लीजिए एंड सी ड्राइव जो है उस पर लेफ्ट क्लिक एक बार कीजिए ताकि वो सिलेक्ट हो जाए एंड देन राइट क्लिक करके हम उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इस प्रॉपर्टीज़ उसके ओपन कर लिए उसमें जनरल नहीं टू हाँ जनरल में आप चाहे तो सबसे पहले डिस्क क्लीन अप कर लीजिए तो जो फालतू चीज़ होगा आपका वो ये डिटेक्ट करके खुद ब खुद क्लीन कर देगा। मैंने अभी तक जितना भी यूज़ किया इसने कभी भी वो ज़रूरी फाइल तो डिलीट नहीं किया जितना भी अनवांटेड फाइल होता है वो ये डिलीट करता है तो इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है आपका बट बी पेशेंट एंड देखिए अब आ गया ये इसमें आप देखिए फोल्डर सब दिखा रहा है कौन कौन सा ये डिलीट करना है आपको जो जो लगता है तो सिस्टम लॉग फाइल सब ये सब हटा सकते हैं रिसाइकिल बिन में 74 हाँ सब साइकिल बिन खाली खाली टेम्प्ररी फाइल्स को आप टिक कर दीजिए एंड विंडोज़ 0 मतलब जो भी है आपको देख लेना यहाँ पे आपको फाइल देख लेना कि कौन सा फाइल आपको रखना है नहीं बाद में टेम्प्ररी जितना फाइल करके होगा वो सबको आपको हटा देना और ओके करना यहाँ डिलीट फाइल करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया है। तो पहला स्टेप जो कंप्लीट हो गया है मेरा जो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बूस्ट करने का तो इससे ये क्या किया मैंने सिर्फ डिस्क क्लीनअप किया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका हमारा अब इसके बाद चलेंगे हम टूल्स में एंड टूल्स के बाद जा करके यहाँ ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करेंगे ठीक है। ऑप्टिमाइज़ के बाद आके यहाँ पे हम इसको ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर देंगे ये जितना भी ड्राइव है उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा इसमें हल्का समय लग सकता है तो ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करके आप निश्चिंत से चार्ज में लगा दीजिए लैपटॉप को क्योंकि अगर आपने कभी अब काफ़ी दिन से नहीं किया है डिफ्रैग इसको कहते हैं तो डिफ्रैग करने में हल्का समय खाता है ज़्यादा तो आराम से इसको होने दीजिए एक दो घंटे का समय लगेगा और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप ओके कीजिए एंड उसके बाद फाइनल स्टेप आप बताएंगे थोड़ा बहुत टेम्पररी फाइल इसका कैसे डिलीट करना तो ये देखिए कैसे कैसे स्पीड यहाँ इसका बढ़ रहा है बट मैं जूम करता हूँ तो नहीं हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं जूम करके यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा है इसी तरह करके वो सारा कर जाएगा एक दो तीन चार जितने भी आपके ड्राइव्स हैं वो सारे ड्राइव्स का वो फाइल ऑप्टिमाइज़ कर देगा और आपका इस इतना ही करने से काफ़ी आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ हर हफ्ते एक बार मैं लैपटॉप को डिफ्रैक्ट करता हूँ ताकि जितना भी जंक फाइल जो भी जमा है फालतू का फाइल जो कि कंप्यूटर को स्लो कर सकता है तो वो स्लो ना करे और इसी प्रकार से मैं अपने लैपटॉप को इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए हेल्प करता हूँ बिकॉज मेरा लैपटॉप बना नहीं है वैसे काम के लिए बट मैं फिर भी उससे उतने टफ टफ काम कराता हूँ।
मम्मी इधर 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 कौन है। सो होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ये सब स्टेप है, इससे बेटर बेटर स्टेप्स बहुत जगह यूट्यूब पे भरा हुआ है इसका ट्यूटोरियल सब, कि लैपटॉप को फास्ट कैसे करें, लैपटॉप में ये कैसे करें। मतलब ज्ञान देने वालों की कमी नहीं यूट्यूब पे, उसमें मैं भी एक आ गया। बट मैंने ये क्यों शेयर किया, बिकॉज मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे भले ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट अगर एक बंदे को भी इससे हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगा कि हाँ मैं ये चीज़ अपनाता हूँ एक्चुअल में मेरे लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, और आप ट्राई करके देखना श्योर। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी जगह ट्राई किया है, जितनों को भी बताया, सबने कहा कि हाँ सही में इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से। तो दैट्स इट, मैं यही स्टेप्स अभी अपनाता हूँ ताकि मेरा लो एंड लैपटॉप में भी हाई एंड सॉफ्टवेयर सब रन कर सकूँ। बिकॉज जो भी मैं सॉफ्टवेयर अभी एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसको बहुत हाई एंड पीसी और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, कुछ ज्ञान दिया होगा, और दिया तो आप इसको अपने शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये ज्ञान मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।